अब बात करते हैं एक बड़े पुलिस अधिकारी के वीआरएस लेने के फैसले की। दरअसल कानपुर के पुलिस कमिश्नर असीम अरुण ने वीआरएस लेने का फैसला ले लिया है। उन्होंने अपने वीआरएस लेने की जानकारी फेसबुक के माध्यम से दी है। उन्होंने जानकारी देते हुए ये भी बताया कि यूपी के मुख्यमंत्री सीएम योगी से प्रभावित होकर वीआरएस ले रहे हैं। इस दौरान सूत्रों द्वारा ये भी खबर है कि असीम अरुण ने वीआरएस लेने के बाद बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली है और अब वो बीजेपी के टिकट पर कन्नौज के तिरवा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ सारा समय के संवाददाता अनुराग श्रीवास्तव जुड़ गए। अनुराग, क्या पहले से अटकलें थी या अचानक ये चौंकाने वाली खबर आई है? जी मनु, बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा कि जैसे ही चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, चुनाव आचार संहिता जैसे ही यहां पर लगी, उसके बाद तुरंत ही ये सबसे बड़ी खबर के तौर पर देखा जा रहा है कि अचानक लगभग 2 बजे के आसपास जो आईपीएस हैं असीम अरुण, उन्होंने लखनऊ का दौरा किया और यहाँ पर उन्होंने छुट्टी लगाकर लखनऊ जाने की बात कही एक व्यक्तिगत कार्य को लेकर। लेकिन उसके बाद जब वो वहां पर लखनऊ से लौट कर यहाँ पर शाम को आते हैं तो अचानक फेसबुक पर एक पोस्ट वायरल होती है और पोस्ट में लिखा होता है कि मैं अब देश की सेवा करने का एक अलग योगदान देने जा रहा हूँ, जिसमें मैं स्वैच्छिक वीआरएस लेने जा रहा हूँ। वीआरएस लेने के बाद मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ने का फैसला मैंने किया है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी ने और उनके कार्यों से मैं प्रभावित हुआ हूँ। तो ऐसी ही जो चीजें थी फेसबुक पर तुरंत का तुरंत वायरल हो गई और उसके बाद ये जो चीजें सामने निकल कर आई, और उसके बाद सारी चीजों के बाद ये भी अटकलें जो थी कि ये पहले से था या चूज, तो आज जब हमने फोन के द्वारा असीम अरुण से बात की तो असीम अरुण का कहना था कि जो भी ये फैसले हैं वो अचानक लिए गए हैं और मैं योगी और मोदी के कार्यों से काफी प्रभावित था, जिसके बाद मैंने ये फैसला लिया है। क्योंकि लगभग अगर बात करी जाए उनके पूरे ड्यूटी काल की तो लगभग अभी 8 साल की ड्यूटी उनकी बाकी थी यहाँ पर, लेकिन उससे पहले ये फैसला इस तरह का लेना राजनीतिक गलियारों में एक चौंकाने वाला फैसला है। अनुराग, बीजेपी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया अब तक आई है? जी बिल्कुल, हमने बीजेपी के जो यहाँ के मीडिया प्रभारी और जो कुछ उच्च स्तरीय नेता हैं उनसे भी हमने बात करने का प्रयास किया, तो उनका कहना है कि ये जो भी डिसीजन है वो सीधे सीधे सूबे के मुखिया आदित्यनाथ के द्वारा लिया गया है। क्योंकि अगर बात कन्नौज सीट की करी जाए तो कन्नौज की सीट पर एक जो मशहूर चेहरा था, एक कद्दावर चेहरा था, उसकी तलाश काफी समय से करी जा रही थी। अगर बात पूरे इस मामले पर करी जाए तो असीम अरुण 1984 बैच के तेज तर्रार आईपीएस है और उनके जो पिता हैं वो स्वयं उसी जगह से निवास करते हैं, और उसके बाद अगर बात करी जाए तो कन्नौज के स्वयं रहने वाले, तो वहां पर एक अच्छा खासा और साफ सुथरी छवि के साथ साथ एक अच्छा बेहतर पुलिसिया अनुभव है, जिसको उन्होंने कहा है कि इस पूरे राजनीतिक दौर में भी वो साझा करेंगे और जो भी इस तरह के चीजें हैं वो सब कुछ सामने निकल कर आएगा। एक खास बात रही है कि इस पूरे जो राजनीतिक कल से लेकर आज तक का ये घटनाक्रम रहा है उसमें काफी ये चर्चा का विषय बना रहा है, जिसमें शुक्रिया तमाम जानकारी अनुराग हम तक पहुंचाने के लिए। असीम अरुण, बड़े पुलिस अधिकारी, वीआरएस उन्होंने ले लिया है 8 साल पहले ही, और राजनीतिक गलियारों में यही अटकलें हैं कि वो बीजेपी के टिकट पर कन्नौज से चुनाव लड़ेंगे। अपने दर्शकों को बता दें कि असीम अरुण कन्नौज से ही ताल्लुक रखते हैं। एक छोटे से